कुछ नहीं करोगे तुम मुन्ना, बस आओगे घूमोगे और फोटो खिंचाओगे। तो चलते हैं और बहुत सारी मस्ती करते हैं और एक्सपो विजिट कराते हैं। तो चलिए। Hello everyone, hi, it's me Nisha. Welcome back to my channel and I'm back with another vlog. आपको ये देखकर क्या लग रहा है? मैं फोटो शूट के लिए नहीं आई हूँ। So मैं हूँ पटना के ज्ञान भवन में और यहाँ पे लग चुका है बिहार फोटो वीडियो एक्सपो 2022 और आज सेकेंड डे है। स्टार्टिंग इसकी 14th of October एंड ये 14th of October टू 16th of October तक चलेगी एंड मैं सेकेंड डे पहुँची हुई हूँ। और हम ब्लॉगर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्या कैमरा यूज़ करना है, कैसे ब्लॉगिंग करना है, ये सब मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा और अगर आपने मुझे इंस्टा पे नहीं फॉलो किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मैं चलती हूँ और यहाँ पे क्या क्या हो रहा है आपको सारा कुछ बताती हूँ और कौन सा कैमरा कौन सा लाइट कैसे ब्लॉगिंग करते हैं वो सब बताते हैं। तो आइए हम चलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बट यहाँ का इतना सारा क्राउड देख के मुझे बहुत हैप्पीनेस फील हो रही है कि लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ पे सोनी ब्रांड, मतलब जितने सारे ब्रांड हैं यहाँ पे, सारी जो एक एक मॉडल, दो दो मॉडल्स हैं और सब लोग वहाँ पे मतलब चेक कर रहे हैं और बहुत ही इंजॉय भी कर रहे हैं यहाँ पे। हेलो मैम, आप बहुत प्यारी लग रही दुल्हन वाले लुक में। इतने टाइम बैठना इज डेफिनेटली टफ। मेरा बैक ऑलरेडी हर्ट करना स्टार्ट कर दिया है मुझे काफी ज्यादा, बट डेफिनेटली काम का पार्ट है। अच्छा लगता है जब आप इतने लोगों के बीच एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हो। एज अ मॉडल आप जिस भी चीज में पार्टिसिपेट करते हो, जिस भी चीज के लिए वहां पे होते हो, यू रिप्रेजेंट दैट थिंग, यू रिप्रेजेंट इट। Yeah, you, so many people are taking selfies and all, so you are representing the product or anything you are associated with as a model. तो उससे क्या होता है कि हमें भी अच्छा लगता है कि हम इतने अच्छे ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं और उन ब्रांड्स के लिए भी, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हमारा काम हेल्पफुल है। इस पूरे बिहार एक्सपो की, तो बिहार रैपिडली बहुत सारी चीजों में ग्रो किया है, whether it is fashion week or expo, you are seeing Bihar is growing every day. So it feels good कि बिहार में ऐसी चीजें होती हैं। There are 3 days runway, 3 days fashion weeks, fashion walk, then there are 3 days expos. So अभी ऐसी चीज भी बिहार में हो रहा है, बिहार आ रहे हैं। इससे हमारे बिहार का एक अलग साइड दिख रहा है और ग्रो कर रहा है कि बिहार से सिर्फ IAS लोग नहीं निकलते, बिहार से अच्छे फोटोग्राफर्स, अच्छी मॉडल्स, अच्छे सेलिब्रिटीज सब निकलते हैं। So it's a great feeling. मैं दिखाती हूँ, ये आप गिम्बल का कैमरा देख सकते हैं, फोटो जब बहुत होता है, मैं उनसे बात करते और बताते हैं। सो आप मुझे बताइए। मैम, दिस इज वीबल 3, शुड आई यूज दिस? दिस इज ज्यून वीबल 3 एंड दिस इज द लेटेस्ट मॉडल फ्रॉम ज्यून। इसकी गिम्बल की सबसे अच्छी बात है, एज यू कैन सी देयर इज अ रिस्ट सपोर्ट। इस गिम्बल में यहाँ पे रिस्ट सपोर्ट है, मैं इसको क्लिप ऑन कर लूंगा। गिम्बल में इसमें यहाँ पे रिस्ट सपोर्ट दिया हुआ है, दिस इज ज्यून वीबल 3 एंड बेस्ट पार्ट अबाउट दिस गिम्बल इज ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल गिम्बल है मार्केट में। एंड बहुत बार क्या होता है, हम लो लाइट कंडीशन में शूटिंग करते हैं, मिररलेस कैमरा होने के बाद भी लो लाइट के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा लाइट चाहिए होती है, तो गिम्बल के अंदर ही वी हैव अ इनबिल्ट वीडियो लाइट। प्लस अगर हम यूट्यूब के लिए ब्लॉगिंग करते हैं या फिर हम किसी भी तरह की ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं गिम्बल से, कैमरा शूटिंग, वीडियो शूटिंग करते हुए, तो गिम्बल के अंदर वी हैव अ माइक्रोफोन ऑल्सो, इनबिल्ट माइक्रोफोन, प्लस वी हैव अ एडिशनल हैंडल। सो बहुत ही कॉम्पैक्ट गिम्बल है विद 4 kg इसका पेलोड एंड ये अमेजोन और ऑफलाइन स्टोर पे ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। इस तरह से मैम इसको पकड़ सकते हैं। और मैम ये एक्चुअली लाइट वेट है, अगर आप यूजुअली गिम्बल से कंपेयर करोगे रेगुलर गिम्बल से तो ये लाइट वेट है। दैट्स द बेनिफिट इस वाले गिम्बल में, पेन नहीं होता बिकॉज व्हेन यू गो डाउन तो यू गेट द रिस्ट सपोर्ट और ये जर्क नहीं करेगा अगर हम। यस एग्जैक्टली, गिम्बल यस गिम्बल इसी के लिए है, ये जर्क नहीं करेगा। क्या प्राइस है इसकी? दिस इज फॉर 46,000 रुपीज इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड विद ऑल द एक्सेसरीज। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीस रंजन है। तो आप में कैसा लग रहा है, आपको बिहार में एक्सपो लगा है? बढ़िया है, और ये क्या है कि नए क्रिएटर्स के लिए एक बढ़िया वेन्यू है।
और यहाँ बहुत सारे जगह पर ये देखा गया कि यहाँ प्रॉपर सिखा रहे हैं कि कैसे कैमरा चलाना है, कैसे वीडियो एडिटिंग करनी है और किन किन बारीक चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। और हम ब्लॉगर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ब्लॉगर के लिए भी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, लोग उनका एक्सपोजर देखेंगे और उनको प्रमोट करेंगे। बिहार में थोड़ा कल्चर कम है जिससे बढ़ावा मिलेगा, देखने को मिलेगा। धीरे धीरे तो लोग पढ़ रहे हैं आगे बहुत है ना। और डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा पावर है और हम लोग देख भी सकते हैं जितनी कंपनियां अभी ग्रो कर रही हैं वो सारी डिजिटल है मेनली, और उनका पर्पस बहुत क्लियर होता है कि हमको डिजिटली क्या करना है। और अब ब्लॉगिंग देखते हैं, मतलब पटना में बहुत है ब्लॉगर। हाँ, ब्लॉगिंग देखते हैं और हम इंटरेस्टेड भी हैं, इसके लिए यहाँ हम आए हैं। ये मोनोपोड, ये वीडियो करने के लिए, मतलब ये रील्स बनाने वाइटी शॉर्ट्स के लिए तो नहीं होगा ये? नहीं नहीं, उसके लिए नहीं है जी। और ये मोनोपोड है, क्या प्राइस आएगा? विद स्टेन आएगा, इसमें स्टेन नहीं आता है, इसका अलग से लेना होता है स्टेन। स्टेन के साथ आपको आएगा, हेड के साथ 2100 रुपए का। 2100 आप लोग दे रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं। और उसमें कुछ होने वाला होगा तो और कुछ कर करके काफी मजा आया। और अगर जो भी ब्लॉगर हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जिनको आइडिया नहीं होता है ना कैसे ब्लॉगिंग करें, कैमरा कैसे यूज करें और एडिटिंग कैसे करना, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए आप लोग एक्सप्लोर कीजिए और जो रील्स और वाइटी शॉर्ट्स भी बनाते हैं उनके लिए भी काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि यहाँ सारा कुछ आपको बताया जाता है कि कैमरा कैसे हैंडल करें और एडिटिंग कैसे करें, क्या कैसे करें, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। सो अब वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ और कल लास्ट डे है, आप लोग एक बार विजिट कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।